जी बेटा, टुडे वी विल रिवाइज द चैप्टर बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। हाँ जी, मैंने कल एक्स्ट्रा क्लास में भी ये करवाया था, बट एक बार फिर करवाना चाहती हूँ सो दैट यू कैन लर्न द फॉर्मूलाज। मेन इसमें फॉर्मूलाज है जो आपको याद करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है डोमेन एंड रेंज ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, कल भी बताई थी, अगेन आई एम टेलिंग, फर्स्ट मेरे पास अगर फंक्शन y sin inverse x है, हाँ जी, इसकी डोमेन कल क्या बताई थी? वेरी गुड, वेरी गुड। डोमेन इज -1 to 1 एंड रेंज इज मेरे पास जो है, वेरी गुड, लर्न हो गई। दैट मींस -π/2 to π/2। और मैंने बताया था प्रिंसिपल वैल्यू को ही हम रेंज कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू को ही रेंज कहते हैं हम। ओके बेटा, नेक्स्ट मेरे पास हो गया सेकंड, y is equal to cos inverse x, सेम डोमेन है मेरे पास, बट रेंज चेंज हो जाती है, प्रिंसिपल वैल्यू चेंज हो जाती है 0 to π। ओके, नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन, y is equal to tan inverse x, मेरे पास ऑल रियल, यहां पर ओपन -π/2 to π/2। ओके बेटा, नाउ कम्स टू फोर्थ बेटा, y is equal to cot inverse x, यहां पर भी all real 0 to π। अगर आप याद रखो ना, मतलब ये देखो sin cos tan फिर उल्टा cot, तो देखो ये दो दो सेम, ये पहला लिखा यहाँ क्लोज्ड है तो अगले में ओपन, ऐसे भी याद कर सकते, ठीक है ना। sin cos tan करते थे ना सोना चांदी, वो उसमें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में, तो साइक्लिक ऑर्डर में ही चलो। हाँ जी, हाँ जी, वो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, साइन कॉस टेंजेंट कॉट जुगे सीकेंट कोसेकेंट, तो यहीं से ऐसे फिर कभी गलती नहीं होती। ओके, क्लियर बेटा। चलिए अब मेरे पास जो है यहाँ पर फिफ्थ वन जो है, दैट इज y इज इक्वल टू, देखो कॉट के पास क्या है, सीकेंट था ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीकेंट इनवर्स x। अब क्या करना है, दोनों को माइनस, दोनों में माइनस होना है, r माइनस मेरे पास हो गए -1 to 1, और यहां पर भी ये माइनस हो जानी, मतलब ये इससे माइनस हो जानी, तो इसकी जो है प्रिंसिपल वैल्यू 0 to π माइनस बेटा π/2। और ज्यादा इजी हो जाएगा लर्न करना आपको, समझ आई रसिका कैसे लर्न करना, हर रूल पता चला बेटा ना किसमें, क्यों जीरो पे जो है cos 0 1 होता है, तो सेकंड 0 वो तो डिफाइंड ही होगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ही, ठीक है बेटा। चलिए अब मेरे पास जो है सिक्स, y is equal to cosecant inverse जो है सेम r माइनस -1 to 1 जो है, और इधर -π/2 to π/2, बट इसमें 0 इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, चेक कर लेना एक बार फिर भी एनसीईआरटी, ठीक है, जो वहां लिखा है वही याद करते हैं। ओके, अब मेरा पहला तो ये एक टेबल है, इस पर बेस्ड 100% आई एम सेइंग कि एक क्वेश्चन आना ही आना है। अच्छा, कई बार ना अदर प्रिंसिपल एनी ब्रांच अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू पूछ लेते हैं, अदर ब्रांच जो है एक्सेप्ट दैट प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, तो वो एन पाई ऐड होके अपने आप निकल आती है हमारे, ठीक है, वो क्वेश्चन आएगा देन आई विल टेल यू कि कैसे निकालते। चलिए अब नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज कह लीजिए या कुछ फॉर्मूलेज कह लीजिए जो हमने लर्न करने ही करने हैं, व्हाट दैट इज। अब बेटा ध्यान से देखना, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, ये एक्स कब होगा बेटा, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू -π/2 to π/2। आपको ये आ सकता है कि दिस इज इक्वल टू एक्स, जब एक्स मेन अंदर का यहां वो क्या है आपकी इनपुट है मेरे पास, है ना,
लेकिन साइन इनवर्स का वो क्या होगा, मेरे पास आउटपुट होगा ना, तो वो साइन इनवर्स का आउटपुट मतलब रेंज, रेंज ठीक है जी। यहां पर बाहर इनवर्स है ना, तो ऑब्वियस है वो रेंज ही आएगी मेरी, क्या क्या आंसर आ सकते। लेकिन अगर उल्टा होता साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू पुट की जाएगी तो ये आएगा ना, है ना। तो इसका आंसर किस किस के बीच में लाई करता है, माइनस वन टू वन के बीच में। आपने साइन कॉज का आंसर प्लस वन में किया हुआ है ना, किसके बीच में लाई करता है, माइनस वन टू वन के बीच में। तो यहां पर एक्स कब आता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू माइनस वन, दोनों में डिफरेंस पता चला पक्का, क्योंकि आ सकता है दिस इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू, ऑप्शन दूंगी आप लोगों को। ऐसे ही किसी और का भी आ सकता है, आपको पूछूं मैं कॉज इनवर्स कॉज एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, क्या आएगा, जीरो टू पाई। लेकिन अगर मैं लिख दूं कॉज इनटू कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू माइनस वन टू, ओके जी क्लियर। हाँ जी थैंक यू। एक वो रह गया पीरियड वाइज, हाँ जी बेटा क्या कह रहे थे, जो अंदर वाला फंक्शन उसका डोमेन नहीं, देखो उसकी रेंज, देखो साइन एक्स की डोमेन, हाँ ओके ठीक है दीदी, बिल्कुल बिल्कुल सही है, आप अंदर वाले से कंपेयर करते हो, ठीक है बेटा आप ये भी सोच सकते हो। हाँ हाँ बेटा वो तो जो हमारे पास डोमेन रेंज, आप ऐसे भी याद कर सकते हो हमारे पास हो गए, ठीक है वो कोई फर्क नहीं आपके याद करने पे है ना। यहाँ पर मेरे पास हो गए साइन इनवर्स एक्स की डोमेन है, तो इसीलिए वो माइनस वन टू वन मैंने ले, ठीक है जी। अब बेटा और जो आपने लर्न करना है इसमें से, मेरे पास हो गए व्हाट यू हैव टू लर्न नेगेटिव वाला, मेरे पास नेगेटिव वाले में क्या है, मेरे पास दैट इज साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये किसके इक्वल होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल। कॉस इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स। टैन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस टैन इनवर्स एक्स। कोसेकेंट इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस कोसेकेंट इनवर्स एक्स। ये क्वेश्चंस कैलकुलेट करने में बहुत इजीली हमें समझ आ जाता है, और तीन में नेगेटिव बाहर आता है और बाकी सब में क्या हो जाता है, पाई माइनस मेरे पास हो गए। तो बेटा अगर आप देखोगे कॉस हो गया और कौन सा रह गया, सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। हाँ जी कॉट रह गया, बिल्कुल कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ओके बेटा। और मेरे पास पता क्या हमसे थे, दैट इज टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय टू। आप चाहे प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको कहूंगी कि कर लो, उससे क्वेश्चन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, फॉर्मूलेज ही हैं सारे जो आपने किए, ठीक है। साइन इनवर्स माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज पाई बाय टू, और हमारा कौन सा रह गया जो है कोसेकेंट इनवर्स प्लस सीकेंट इनवर्स दैट इज पाई बाय टू, ओके जी क्लियर। चलें बेटा आगे, ठीक है। अब क्वेश्चंस मैं स्टार्ट करने लगी हूं ताकि आप लोगों को पता है हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ठीक है। लेट अस सी
इन्हीं वैसे तो जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑल आर बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलास। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा देखिए बेटा, इफ कॉस साइन इनवर्स 2/5 जो है प्लस कॉस इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड एक्स। अब क्लियर कट है बेटा, जरा सोचो, कॉस थीटा का आंसर 0 कब आता है? 90 पे, है ना रसिका? प्लीज पे अटेंशन हियर बेटा, कॉस थीटा का आंसर 0 तभी आता है जब थीटा क्या होता है? π/2। ये थीटा है मेरे पास, दैट मीन्स साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 हमने अभी आइडेंटिटी की। अगर ये π/2 है तो इधर वैल्यूज क्या होती हैं? सेम। तो दैट मीन्स अगर इधर 2/5 है तो एक्स भी कितना होगा? 2/5। बात पता चली सबको? कोई डाउट तो नहीं बेटा? चले आगे, ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सोचिए जरा, साइन इनवर्स एक्स प्लस जो है साइन इनवर्स वाई दैट इज इक्वल टू 2π/3, फाइंड कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। हाँ जी, वेट, हाँ जी बेटा, क्या सोचते हो कैसे निकालें बेटा इसको? अगर साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई की ये वैल्यू दी है, हाउ टू कैलकुलेट कॉस इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स वाई, बीच में प्लस, कोई साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स में कोई मैंने रिलेशन बताया क्या होता है बेटा? तो फिर मुश्किल क्या है? क्या मैं यहां पर, चाहे यहां पर लगा लो जैसे मर्जी, मैंने ये वैल्यू निकालनी, मैं इसकी जगह पे π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकती हूँ, मैं इसके प्लेस में बेटा, कैन आई राइट π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई, है ना? अब मेरे पास ये क्या हो गया, पाई, दोनों में से नेगेटिव कॉमन ले लो, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसकी वैल्यू तो मुझे दी हुई है, कितनी दी है? 2π/3। आई कैन पुट हियर एंड कैलकुलेट आंसर। वन मेथड इज दिस, अदर मेथड में भी आप यहां चेंज कर दो, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, बाकी सारी वैल्यूज उधर ले जाओ, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। बेटा मैंने अभी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी नहीं कराई, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स वो π/2 होता है, तो आई नीड टू कैलकुलेट कॉस इनवर्स एक्स, तो ये उधर रख के माइनस हो जाए। ये कल भी बताई थी, आज भी बताई है मैंने प्रॉपर्टी, समझ आ गया बेटा सबको? काक्षी क्लियर बेटा? चले आगे, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, साइन इनवर्स कॉस एक्स इक्वल्स टू π/2 माइनस एक्स इज वैलिड फॉर ऑप्शंस दी हुई हैं, -π/2 0, b 0 2π, c -π/2 2π/2, d मेरे पास जो है दैट इज -π/4 2 3π/4। जस्ट थिंक ओवर इट, मैंने कल भी बताया था वैलिड फॉर मतलब क्या, आपने डोमेन निकालनी। अगर मैं कहती कि इस फंक्शन की डोमेन निकालो तो कैसे निकालते, हमने कल भी क्वेश्चंस इसके साथ के किए हैं बेटा। जल्दी जल्दी सोचो जरा, हाउ टू कैलकुलेट
द डोमेन ऑफ दिस कैसे स्टार्ट करेंगे बेटा? देखो मुझे एक्स निकालना है ना, अगर मेरे को साइन थीटा की या साइन एक्स की वैल्यू पता है, आई नो इट कि साइन इनवर्स की, सॉरी कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो किस किस के बीच में लाइक करता है? माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू के बीच में लाइक करता है, ये नॉर्मल, मतलब मैं यहाँ वाई ले लेती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन मेरे पास क्या है? साइन इनवर्स कॉस एक्स, वो तो डजंट मैटर ना, तो दैट मीन्स मैं इसको ऐसे स्टार्ट कर सकती हूँ, इट लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, लेकिन ये किसके इक्वल है? पाई बाय टू माइनस एक्स, मैं रिप्लेस कर दू तो मेरे पास जो है पाई बाय टू डोमेन या वैलिड फॉर, दैट मीन मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, है ना, इसीलिए मैंने रिप्लेस किया पाई बाय टू माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय टू। अब ये पाई बाय टू दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दू, जब मैंने किया, जब इधर सब्ट्रैक्ट किया इधर क्या हो गया? माइनस पाई लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, जब करूंगी जीरो ही हो गया। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स की वैल्यू चाहिए, तो क्या आएगी मेरे पास? ऑप्शन देख लीजिए, आई नीड द वैल्यू ऑफ एक्स। जब आप एक्स करोगे इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। कौन सी ऑप्शन आ जाएगी? बी वाली, उन्होंने लिखा उल्टा है तो वही ना, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन इक्वल टू पाई, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन इक्वल टू पाई। ओके बेटा, कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये मैंने कल भी आपको डोमेन रेंज वाले क्वेश्चंस कराए थे, मैं बार बार समझा रही हूँ, और पक्का डोमेन रेंज का एक इनवर्स का क्वेश्चन बनता है। कोई भी फंक्शन है आपके पास, कोई भी फंक्शन है ना, उसको सिंप्लीफाई करना है, तो मेरे दिमाग में जो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स होगा ना उसकी वैल्यू से स्टार्ट करो। साइन इनवर्स कुछ भी हो, कुछ भी हो, रहना तो आंसर माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू के बीच में ही है ना, तो फर्स्ट टेबल तो लर्न होना ही चाहिए ना सबको। फिर मुझे पता मैं इसकी जगह मैं ये चीज लिख सकती, मैंने रिप्लेस की और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हो गए, क्वेश्चन नंबर 14, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 14। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan माइनस सिक्स इज a माइनस सिक्स b 2 by माइनस सिक्स c 6 माइनस 2 by d नन। जल्दी जल्दी बेटा, क्या करेंगे? सबसे पहले नेगेटिव बाहर लो, आंसर कितना आया बताइए मुझे, जल्दी जल्दी बेटा। अगर मैं नेगेटिव बाहर लेके हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग बिल्कुल सही है मेरे पास, tan माइनस थीटा, माइनस tan थीटा होता है, तो मैंने tan इनवर्स मेरे पास हो गए माइनस tan थीटा सिक्स है, आई कैन टेक इट, ठीक है। अब tan इनवर्स माइनस x मेरे पास हो गए वो कितना होता है? हाँ जी, आप कह रहे हो आंसर जो है मेरे पास माइनस tan इनवर्स tan सिक्स, आप कह रहे हो आंसर है, फिर और क्या आएगा? यस, क्वाड्रेंट में नहीं बेटा, सबसे पहले हमने ये चेक करना था कि मेरे पास जो ये सिक्स की वैल्यू जो मुझे दी है
क्या वो मेरी वैल्यू जो है माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू के बीच में लाइक कर रही है कि नहीं कर रही, तब भी हम आगे जो है टैन इनवर्स और टैन काट सकते थे। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि टैन, जैसे मैंने अभी बताया था ना स्टार्टिंग में, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, जब रसिका आपने मुझे पूछा था, मैंने कहा था एक्स व्हेन या फॉर ऑल एक्स किसको बिलोंग कर रहा था हमने स्टार्टिंग में, आपने कहा था मैम जब इसकी डोमेन लिख दे अंदर वाले की, कहा था ना मेरे को कि उसकी डोमेन होती है, मैंने कहा हाँ जी ठीक है ना, दैट मीन्स मेरे पास जो है जीरो टू पाई, आपने कहा था। यहां पर भी ऐसे ही कि टैन इनवर्स इनटू टैन जो गए वो एक्स के इक्वल तभी होता अगर वो उसकी रेंज में, मेरे पास प्रिंसिपल वैल्यू में, इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू में लाइक करे, तो वो थी मेरे पास माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय मेरे पास जो है टू ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना। अब अगर मैं चेक करूं ये माइनस सिक्स पाई की वैल्यू कितनी होती है, अगर आप थ्री पॉइंट वन फोर है ना, 3.14 ले लेते नहीं ला... हाँ जी, अगर नहीं लाए कर रहा तो दैट मींस कि मेरे पास क्या आ गया, जस्ट वेट बेटा। हाँ जी बेटा, तो ये प्रॉब्लम पता चली, तो दैट मीन्स मैं इसको माइनस एक्स नीचे नहीं लिख सकती अगर हम ऐसे प्रोसीजर करते तो, क्योंकि वो मेरी रेंज में लाई नहीं कर रहा, रेंज मतलब प्रिंसिपल वैल्यू में लाई नहीं कर रहा, मुझे प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी थी, तो दैट्स व्हाई मुझे क्या करना पड़ा, इसके नेगेटिव साइन को मुझे एडजस्ट करना। ओके अब नेगेटिव टैन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं मेरे पास, अगर हम देखें तो सेकंड और फोर्थ में, अगर मैं सेकंड एडजस्ट करती हूँ, सेकंड में जाने के लिए पाई माइनस थीटा करते करते हैं कि नहीं करते, तो अगर मैं पाई माइनस जो गए सिक्स करूंगी, उसकी वैल्यू निकाल के देखो क्या वो मेरी रेंज में आ रही है कि नहीं आ रही, प्रिंसिपल वैल्यू में आ रही है कि नहीं आ रही, नहीं आएगी मुझे पता है, नहीं लाए करेगी, तो दैट मींस दूसरी ऑप्शन क्या रहेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम बेटा क्या करते हैं, व्हाट वी हैव टू डू, अगर आपको याद हो हम क्या करते हैं, इसको टू पाई माइनस सिक्स लिख दूं, टू पाई माइनस सिक्स लिख दूं, अपने आप ये क्या बन जाएगा, टेन माइनस थीटा बनता ना, या माइनस टेन थीटा, जैसे मर्जी लिख दो, ये अपने देखने मेरे पास ऑप्शंस कौन सी है उसमें वो लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहां से टेन इनवर्स और टेन कट गया, आंसर इज टू पाई माइनस सिक्स। और पेपर में मुझे जो 99% लगता है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू वाला क्वेश्चन आएगा ना, वो चेंज वाला आएगा, डायरेक्ट वाला नहीं आएगा कि ये कटिंग हुई तो जी हो गया मेरे पास। ओके बेटा, मुझे नहीं लगता कि वो क्वेश्चन मतलब वन नंबर में एज इट इज बिना दिमाग लगाए वाला, वो तो हर बच्चा कर देता है कि पता है टैन इनवर्स और टैन कट जाना है, साइन इनवर्स और साइन कट जाता है, बट अंडर व्हाट कंडीशन, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ही पूछा है तो वो उसकी प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करना चाहिए। ये बात सबको समझ आई है मेरी, चलूं आगे, समय अंक क्लियर रसिका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि फर्स्ट टेबल लर्न करना बेटा बहुत जरूरी है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, अब आप खुद कीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस 43 पाई बाय 5 इज, आई विल नॉट टेल यू एनी ऑप्शन की कौन सी टू है, सब ट्राई करो, गलत होता है होने दो कोई बात नहीं, बट लेट अस ट्राई। चलो जी अरे अब ऑल ऑफ यू ट्राई इट,
सबसे पहले आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, कन्वर्ट करो, शाबाश करो, करो शाबाश। कन्वर्ट करने से भी पहले एक चीज कर सकते थे, ये ऊपर ज्यादा टर्म है ना, फाइव के मल्टीपल से ब्रेक कर लो, वैल्यू मिनिमाइज हो जाएगी ना, है ना। हाँ बिल्कुल, मिनिमाइज हो जाएगी ना, फिर साइन में कन्वर्ट करना और इजी हो जाएगा, नहीं तो वैल्यू कितनी बड़ी आएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो बहुत बड़ी आएगी ना, क्योंकि बी बाय एच दे दिया, 43 का हाफ करोगे, स्केयर करोगे, फाइव का स्केयर तो सब पता ही है, तो बेटर क्या है, पहले ब्रेकेज कर लो। ओके, कॉस 43 पाई बाय 5 को कैन आई राइट, जो है मेरे पास कॉस 8 पाई प्लस पाई बाय 3 पाई बाय 5, हाँ जी आपको पता है कि मेरे पास जो है कॉस 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये सारा प्लस वन का यूज हो रहा है देख लो, तो मेरे पास हो गए, इसको मैं कॉस 3π/5 कर सकती हूँ ना, अब साइन में कन्वर्ट कर लो, आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। स्टार्टिंग में करते हैं तो प्रॉब्लम आती है ना बेटा, कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाती, और क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं साइन में बता सकते हो, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है। ओके जी, करो अब कैसे करते हैं, ये बी बाय एच होता है ना, तो मेरे पास हो गए, आप वैल्यू निकाल के जैसे मर्जी आप इसमें ना करो, ना करो, इसको सीधा साइन में कन्वर्ट कर लो, बिल्कुल चेक करो, जो है पाई बाय फाइव कितना होता है पता है, 3 × 180/5 यही है ना, कटिंग कर लो, 5 × 3 = 15 और कितना हुआ मेरे पास हो गए 6, 18, 108। अब मैं चाहती हूं कि मेरा कॉस का साइन आए, तो मुझे 90 अलग करना है ना 108 में से, मैं चाहती हूँ कि 90 बन जाए, और क्या चाहते हो, अब ये आपने देखना है कि 90 में से कुछ नेगेटिव माइनस करूं कि 90 प्लस करूं, 108 90 से बड़ा है तो 90 प्लस करोगे कितना आएगा, 18 आएगा ना, यू जस्ट राइट 18 अगर आपको वैसे नहीं पता चलता है। ओके वैसे बता दूं 18 जो है पाई बाय 10 होता है, पाई की वैल्यू 180 ना, 180/10 18 ही बना। अब साइन मेरे पास हो गए, यहां पर बाहर देखे, अब यहां पर सीधा आप लेके जा सकते हो, नहीं तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा ना, 90 प्लस थीटा मेरे पास हो गए, क्योंकि कॉस को मैंने ब्रेक किया ऐसे, अब ये नहीं कर देना कि तुम इसमें वापिस ले जाओ, अगर आप करोगे, नॉर्मली आदत पड़ी होती है बच्चों को, यहां पर आपने जो है इसको ब्रेक किया, पहले 108 कॉस को यहाँ कॉस ही रहने दो, अब कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा ऐसे कीजिए, अगर आप पहले चेंज कर रहे हो तो साथ ही रूल लगाओ, इफ यू आर राइटिंग साइन तो साथ ही रूल लगाओ, अगर आपको ब्रेकेज करनी है, क्योंकि सारे बच्चों को ब्रेकेज करनी नहीं आती है, तो मैंने यहाँ पर प्लस वन का सारा कॉन्सेप्ट बताया है, ये 108 था, कॉस का कॉस रहने दिया, 90 प्लस थीटा लिखा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। अब यहां पर आएंगे, ये देखिए साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाय 10, पाई बाय 10, अब आपको पता है ना कि ये कितनी वैल्यू है, 18 डिग्री है ना,
आपने ये किया हुआ है मेरे पास, आप इस वैल्यू को अंदर भी लेके जा सकते हो। साइन इनवर्स और साइन तभी करते हैं अगर थीटा किसमें लाई करता है, प्रिंसिपल वैल्यू में। माइनस पाई बाय 10 मतलब माइनस 18, मुझे बताओ प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है कि नहीं साइन इनवर्स के। माइनस 90 to 90 के बीच में लाई करता है ना, तो दैट मीन्स आप इसका सीधा आंसर ये लिख सकते थे। ये पता चला ये नेगेटिव कहां गया? बेटा मैंने अभी ऑरली बोला, आपको पता है मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं, माइनस साइन थीटा है, कैन इट बी रिटन एज साइन माइनस थीटा, लिख सकती हूँ ना। अब ये कब कटते हैं, मैं बार बार कह रही हूं, जब ये किसमें लाई करता है, प्रिंसिपल वैल्यू में। और मैंने चेक कर लिया साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू माइनस 90 to 90 होती है, माइनस पाई बाय 2 to पाई बाय 2 होती है, और ये मेरा है माइनस 18। इट लाइज बिटवीन द प्रिंसिपल वैल्यू, इसीलिए साइन इनवर्स और साइन कट गया, मैंने शॉर्टकट में लिखा। ओके जी, क्लियर बेटा?